ब्रेक के बाद स्वागत आपका। नागौर की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। डेगाना में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और आरएलपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता रहे हैं, आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा डेगाना पहुंची है। यात्रा के पहुंचते ही रिछपाल मिर्धा के समर्थकों ने नारेबाजी की। मिर्धा और बेनीवाल के समर्थक एक दूसरे से उलझे हैं। पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया है। इसके बाद सभा में हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया, कहा डेगाना में ऐसा प्रत्याशी उतारूंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बेनीवाल ने रिछपाल मिर्धा को चैलेंज दिया है। आज ही आपको बता दें कि रिछपाल मिर्धा ने यह ऐलान किया था कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया था। नागौर की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और उसी की कड़ी में ये देखिए आप, रिछपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आरएलपी के समर्थक आमने सामने आ गए। पुलिस को बहुत कवायद करनी पड़ी, कसरत करनी पड़ी इनको अलग करने की। तो शेखावाटी की बात करें या मुख्य तौर पर अगर नागौर की राजनीति की बात करें तो मिर्धा परिवार और साथ ही साथ बेनीवाल परिवार लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर यह आमने सामने होते रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई से बात करते हैं। महेंद्र बिश्नोई, चुनौतियों का वक्त है, चुनौती दी जा रही है, चुनौती ली जा रही है और उसी कड़ी में आमने सामने आरएलपी और ज्योति मिर्धा के पिताजी, या यूं कहें कि बीजेपी नेत्री ज्योति मिर्धा के पिताजी जो कांग्रेस में है, वो आमने सामने आ गए। बिल्कुल, रिछपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा के चाचा जी हैं और जी। एक तरीके से नागौर जिले की जो राजनीति है वो बिल्कुल मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल हो चुकी है, इसमें कोई दो राय अब नहीं बचा। रिछपाल मिर्धा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो वर्तमान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, आज हनुमान बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा डेगाना पहुंची और यहाँ जैसे ही रोड शो शुरू हुआ तो रिछपाल मिर्धा के समर्थक वहां आ गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और हनुमान बेनीवाल के समर्थक और मिर्धा के समर्थक आमने सामने हो गए। इससे पहले आज और पिछले दो दिनों से रिछपाल मिर्धा का एक बयान भी वायरल हो रहा है कि वो ज्योति मिर्धा के लिए प्रचार करने जाएंगे, जिसके बाद रिछपाल मिर्धा ने सफाई भी दी और दूसरा बयान जारी करके कहा कि उनका कहने का मतलब यह था कि वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अब चुनाव प्रचार करेंगे। तो एक तरीके से ये जो मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से दिखा और इसका असर आज डेगाना में देखने को मिला जब दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए। ये पुलिस यहाँ मौजूद थी, पुलिस को पहले से इसका अंदेशा था और पुलिस ने समय रहते मामले को टाल दिया, केवल नारेबाजी और गुत्थम गुत्था जैसा मामला हुआ। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि नागौर जिले की जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। ये जो पूरा सिनेरियो आज हुआ, इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने जब सभा को संबोधित किया तो उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया कि वो डेगाना में ऐसा प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो हनुमान बेनीवाल ने भी चैलेंज कर दिया कि जो ये मिर्धा परिवार चैलेंज कर रहा है, इसके जवाब में उन्होंने एक तरीके से नया चैलेंज कर दिया है। तो ये इसे लग रहा है कि नागौर जिले में ये जो दोनों बड़े राजनीतिक परिवार है इनके बीच बड़ा चुनावी बिल्कुल। महेंद्र बिश्नोई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये तस्वीरें जो सामने आई, रिछपाल मिर्धा या कहें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आरएलपी के सपोर्टर्स यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के सपोर्टर्स आमने सामने आएगा। मिर्धा परिवार और बेनीवाल लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में, इस इलाके में रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिछपाल। और चूंकि जैसा आपने जिक्र किया, आज रिछपाल के एक और बयान की चर्चा हो रही है, उसी बयान को यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। तो जाहिर तौर पर जिस बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, जी हाँ, रिछपाल मिर्धा सुधार कर देते हैं एक बार फिर से, चाचा हैं ज्योति मिर्धा के। ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ चुकी हैं और आज वो ऐसा लग रहा है कि बेटी और पार्टी में उलझ गए। बेटी एक तरफ है, ज्योति मिर्धा पार्टी एक तरफ है, कांग्रेस जिसमें वो अभी तक हैं। विधानसभा चुनाव है और ऐसे प्रदेश की राजनीति में पहले से ही बहुत गर्मी है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा के एक बयान ने मानो सियासत में आग लगा दी। सियासी शोले भड़के तो तपिश रिछपाल मिर्धा तक भी पहुंची, जिसके बाद अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है विस्तार से देखते हैं। पहले खुल्लम खुल्ला बेटी के चुनाव प्रचार का ऐलान। अगर मारे बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़े तो दो चार दिन धान इधर देनी पड़ेगी बंद गाँव के बाद। हमारे पार्टी पार्टी की बंदिश नहीं है की तरफ। बयान पर फजीहत हुई तो मारी पलटी।
मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। कहते हैं सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता, वैसा ही हाल कांग्रेस नेता रिचपाल मिर्धा का है। उन्होंने पहले डेगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेटी ज्योति मिर्धा के लिए चुनाव प्रचार की बात कह डाली, लेकिन जब फजीहत हुई तो पलटी मारते नजर आए, दुहाई दी कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। को हमारे डेगाना मासिक मीटिंग हुई थी, उसमें मेरे को हमारे कार्यकर्ता ने पूछ लिया कि भाई अगर आपके ज्योति मिर्धा आपके परिवार से चुनाव लड़ेगी तो क्या करोगे, तो मैंने ये जो सारी बातें कही है वो उस रूप में नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि भाई मेरा मकसद कहने का यह था कि हनुमान बेनीवाल जब रोज हमारे इलाके में घूमता है, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, अभी अभी उसने एक वीडियो जारी किया, देखा होगा आपने, उसने कहा अशोक गहलोत की भाषा आपको समझ में आती है क्या, और वसुंधरा जी को उसने दो दफे वीडियो में दारूडी बताया है। ये ऐसा एक नेता हो गया जो सब आदमियों के खिलाफ बोलता है, वो मेरे डेगाना में मीटिंग करता है, डेगाना में आएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, इतनी हिम्मत मैं भी रखता हूँ, खिलाफ नहीं बोला हूँ कल, मैंने जो बातें कही है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। अब सवाल ये कि अगर रिचपाल मिर्धा ने अपनी भतीजी के लिए डेगाना की एक जनसभा में चुनाव प्रचार का ऐलान भी कर दिया तो इतनी छिछलेदार क्यों हुई, बयान पर क्यों हुआ बवाल। दरअसल ज्योति मिर्धा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जबकि रिचपाल मिर्धा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें वीर तेजा कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। उनके बेटे विजयपाल मिर्धा डेगाना से कांग्रेस विधायक हैं। हैरानी की बात यह है कि रिचपाल मिर्धा ने डेगाना के जिस जनसभा में ये बयान दिया वहाँ विधायक विजयपाल मिर्धा भी मौजूद थे, और ऐसी भी जानकारी है कि रिचपाल अपने बेटे विजयपाल के लिए फिर से टिकट भी मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए प्रचार की बात कहकर रिचपाल मिर्धा ने कांग्रेस की सांसें बढ़ा दी, लेकिन जब बयान पर घिरे तो सफाई देते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद रिचपाल मिर्धा ने डेगाना में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कह डाली कि वो अगर ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेगी तो उसके प्रचार करने के लिए जाएंगे। जैसे ही रिचपाल मिर्धा का ये बयान वायरल हुआ तो नागौर जिले की राजनीति में सनसनी फैल गई। इसके बाद रिचपाल मिर्धा को सफाई देनी पड़ी। मरता क्या ना करता, बयान पर फंसे तो रिचपाल मिर्धा ने बयान के गलत मायने निकालने का आरोप लगाया, सफाई में कहा कि उनका बयान आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खिलाफ था जो पार्टी को बदनाम करते हैं, लेकिन बात चली है तो दूर तक जाएगी और राजनीति के जानकार इसके अलग मायने भी निकाल रहे हैं। जो रिचपाल मिर्धा ने दी है उसमें हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना रिचपाल मिर्धा ने साधा है। रिचपाल मिर्धा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो डेगाना में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बात कही उसका संदर्भ अलग तरीके से लिया गया। उनके कहने का मतलब यह था कि हनुमान बेनीवाल आए दिन कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं, कभी वो मिर्धा परिवार के खिलाफ देते हैं तो कभी वो डेगाना में उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, ऐसे में वो भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जाकर प्रचार करेंगे और हनुमान बेनीवाल को हराने में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ, आप कहीं मत जाइएगा।